नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सात अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से निकले पीएचडी एडमिशन 2022 के संबंध में यहाँ पर डिटेल्ड में वन बाय वन जो है बात करने वाले हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो कम से कम अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप यहाँ पर जो है आवेदन के पात्र है। बाकी डिटेल्ड में जो है हम जो है डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। सो चैनल पर पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहे, चाहे वो कैरियर मार्गदर्शन से रिलेटेड हो, चाहे जॉब अलर्ट, चाहे एडमिशन अलर्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी सात यूनिवर्सिटीज के लिए अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो मास्टर डिग्री कम से कम 55% अंकों के साथ अगर आप जर्नल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, लेकिन यहां पर 5% की छूट एससी एसटी ओबीसी और जो दिव्यांगजन है उनकी मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। तो ये जो है आपको यहां पर ध्यान रखना है। एडमिशन का प्रक्रिया की बात करूं तो दो प्रकार से आपका जो है एडमिशन होने वाला है। लगभग सभी यूनिवर्सिटीज ये जो है प्रोसेस यहां पर फॉलो करने वाली है, लेकिन अगर कुछ अलग होगा तो मैं वीडियो में बताऊंगा, जबकि ये याद आपको रखना है। ओनली मास्टर डिग्री आपके पास है तो एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से एडमिशन मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज नेट अगर आप क्वालिफाई है, जेआरएफ आप क्वालिफाई है, गेट या जीपेट या नेशनल लेवल की कोई भी फेलोशिप आपके पास है, एमफिल डिग्री आपके पास है तो या आप यूनिवर्सिटीज में परमानेंट जो है प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, सो यहां पर जो है आपको एंट्रेंस एग्जाम से छूट प्रदान किया जाएगा। तो जैसे ही कुछ डिविएशन होगा, कुछ अलग अगर यूनिवर्सिटी फॉलो करेगी तो मैं यहां पे आपको बता दूंगा। बाकी ये एक एलिजिबिलिटी और दूसरा ये आपका एडमिशन प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। नाउ हम जो है यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। हमारी जो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, जिसको पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहां से जो है पीएचडी एडमिशन, पीएचडी प्रवेश 2022 के संबंध में जो है यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अगर हम देख तो सब्जेक्ट में आपको दिखा देता हूं, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, फाइनेंशियल स्टडीज, बिजनेस मैनेजमेंट, व्यवहारिक मनोविज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान, जनसंचार एवं पत्रकारिता, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, भूगर्भ विज्ञान, हिंदी अंग्रेजी, विधि, समाजशास्त्र, राजनीति, प्राचीन इतिहास, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र एंड संस्कृत, दर्शन शास्त्र, उर्दू, शिक्षा संकाय एंड वाणिज्य, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शास्त्रीय विज्ञान, अनुवांशिकी, पादप रोग विज्ञान, कीट विज्ञान, कृषि रसायन, उद्यान विज्ञान, पशुपालन, कृषि अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, भूगोल, शारीरिक शिक्षा, कृषि प्रसार, संगीत और कृषि अभियांत्रिकी। तो 50 टोटल जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है। सीटों का ब्यौरा जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब जो है अगर हम बात करें यहाँ पे दोनों प्रकार की, फुल टाइम और जो पार्ट टाइम पीएचडी है, दोनों प्रकार की पीएचडी जो है यहाँ पर उपलब्ध है। अब एंट्रेंस एग्जाम से किसको छूट प्रदान की गई है, वे सभी अभ्यर्थी जिनको यूजीसी, सीएसआईआर या डीएसटी, इंस्पायर, डीबीटी, आईसीएआर, आईसीएमआर, डीएई एंड ये जो संस्था द्वारा जेआरएफ या नेट या यूपी स्लेट, यानी कि कहने का मतलब है कि नेट आपका क्वालिफाई है या जेआरएफ या यूपी स्लेट, तो यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम से आपको छूट प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर गेट आपने क्वालिफाई किया है तो यहाँ पे जो है एंट्रेंस एग्जाम से छूट मिलेगी। स्थायी शिक्षक आप है, अंतरराष्ट्रीय अभ्यर्थी है तो यहाँ पे जो है आप नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में अधिकारी है, 10 वर्ष की सेवा कम से कम, एमफिल डिग्री आपके पास है, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्री में 10 साल की सेवा आपने की है, तो इन सभी कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम से छूट प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक तो ये जो है पीएचडी के लिए जो क्रेट है, पीयू क्रेट, तो यहाँ पे आप जो है एंट्रेंस एग्जाम जो दोगे जिनके पास केवल मास्टर डिग्री है, और एक है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। तो जैसे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है यहाँ पर बताएंगे कि आप क्या जो है रेगुलर टीचर है, नेट, जेआरएफ आपको क्वालिफाई है, या अगर एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह देके इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर आवेदन जो है कर पाएंगे। अच्छा, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में जो है यहाँ पर ये जो डिटेल्स है कि इसकी लास्ट डेट क्या है, चूंकि अभी जारी किया गया है तो इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे जो है नहीं दी गई है। यहाँ पे जो है इन्होंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है अप्रैल, और यहाँ पे भी लास्ट डेट, अंतिम तिथि भी ब्लैंक इन्होंने छोड़ी हुई है। तो अभी ये जो है अपडेट हुआ है तो आप अभी कम से कम एक महीना तो मान के चलिए कि रहता है, तो अभी आप आवेदन जो है यहाँ पर कर पाएंगे। दूसरी जो हमारी यूनिवर्सिटी है पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर, छत्तीसगढ़ की जो है, इसको नैक ए ग्रेड जो है यहाँ पर मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो है पीएचडी एडमिशन के लिए जो है यहाँ पर ये फॉर्म, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए इच्छुक आवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित
जो है यहाँ पर निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी, भाषा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, संस्कृत, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान, अर्थशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, भाषा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, उसके साथ राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, रक्षा अध्ययन, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, भूगोल, भौतिकी, रसायन, भूविज्ञान, गणित, सांख्यिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, प्राणी शास्त्र, बायो साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, वनस्पति शास्त्र, मानव विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, फार्मेसी, मैनेजमेंट, वाणिज्य और विधि। इनमें जो है 30 अप्रैल तक जो है आप यहाँ पे जो है प्रवेश के लिए जो है आवेदन जो है यहाँ पर कर सकते हैं एंड संबंधित 100 केंद्र में जमा किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आवेदन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। ₹500 जो है आप यहाँ पर जो है फाइनेंस सेक्शन में जमा, 500 जो है फीस आपकी यहाँ पर लगने वाली है। अच्छा, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट जो है सीरियल नंबर और सब्जेक्ट और रिसर्च सेंटर जो है आपको यहाँ पर जो है डिटेल इन्होंने यहाँ पर दी गई है। सब्जेक्ट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए है, लगभग जो है 33 सब्जेक्ट जो है यहाँ पर है और ये जो है फॉर्म है जिसको आपको जमा करना है। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़, एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से जो है आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है। तो एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भी जो है यहाँ पर दिया गया है। हमारी जो तीसरी यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पंजाब, तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है PhD इन लॉ, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, क्रिमिनोलॉजी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में जो है एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से जो है आप यहाँ पर एडमिशन पा सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम 29 जो है मई को होगा और 10 बजे से 1 बजे तक, जो कि न्यू कैंपस ऑफलाइन मोड में होना है। और यहाँ पे जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एंड यहाँ पे जो है प्रूफ ऑफ पेमेंट जो कि आपको पेमेंट आप देख सकते हैं, ये पेमेंट जो है 1500 प्लस 270 फॉर SC ST एंड SAP एंड 2500 प्लस 450 जनरल OBC के लिए होगा। 20 मई 2022 यहाँ पर अंतिम तिथि है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस और जो है यहाँ पर डिटेल्ड में जो है यहाँ पर जो है सिलेबस PhD एंट्रेंस डाउनलोड फॉर्म में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप आवेदन जो है कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये RGNUL पंजाब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये एंट्रेंस एग्जाम के संबंध में जो है डिटेल्ड यहाँ पर दी गई किस प्रकार का पार्ट 1, पार्ट 2 में 20 MCQ, पार्ट 2 ठीक है रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका होने वाला है, मैक्सिमम 15 मार्क्स। तो ये सारी डिटेल जो है यहाँ पर दी गई है। 20 मई तक आप आवेदन जो है यहाँ पर कर सकते हैं। नाउ हम हमारी जो नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, यहाँ पे जो है PhD प्रोग्राम इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस, एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए एडवर्टीजमेंट यहाँ पर जारी किया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे रिसर्च फोकस्ड एरिया ऑफ एडमिशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा डिपार्टमेंट वाइज। यहाँ पे फर्दर क्वालिफिकेशन मास्टर इन साइंस टेक्नोलॉजी इन द सब्जेक्ट फिजिक्स एंड अप्लाइड साइंस कम से कम 60% अंकों के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है, 55% SC ST और OBC और दिव्यांगजन EWS के लिए रखा गया है क्राइटेरिया। साथ ही साथ नेट, CSIR, नेट, JRF आपका जो है ये होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है अलग अलग के लिए जो है यहाँ पे 60% और 55% का है नेट, CSIR, नेट, JRF या JST या आपका गेट आपका होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया जो है यहाँ पर दिया गया है। सो यहाँ पे जो है डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ 1st से 3rd जून तक जो है आपका इंटरव्यू आपका होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे फेलोशिप भी आपको प्रोवाइड की जाएगी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ट्यूशन फी ₹12,000, एप्लीकेशन फी जो है यहाँ पर दिया गया है ₹500 है और ₹250 है जो रिजर्व कैटेगरीज है वुमेन्स के लिए भी, चाहे किसी भी कैटेगरी की वुमेन है, SC ST OBC और वुमेन्स के लिए और दिव्यांगजनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 15 मई 2022 तक आप आवेदन ऑनलाइन यहाँ पर कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है, एक तो यहाँ पे जो है 60% और 55% का है, दूसरा आपका नेट या CSIR, नेट, JRF आपका क्वालिफाई होना चाहिए, गेट या JST आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी जो है, नाउ हम अगली यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है बांकुरा यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल की स्टेट यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो है काफी सारे सब्जेक्ट में बंगाली, बोटनी, केमिस्ट्री बम्पर सीट है, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लॉ, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिलोसफी, पोलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशल वर्क। ठीक है, 14 सब्जेक्ट में जो है यहाँ पर सीट है। एंट्रेंस एडमिशन जो है आपका रेट एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से दिया जाएगा, लेकिन जिनका UGC नेट या JRF, CSIR नेट या JRF, SAT, GATE, JEST या फेलोशिप है या MPhil डिग्री है, उनको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम से छूट प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे जो है आप अगर हम बात करें ₹1,000 एप्लीकेशन फी है, ₹800 SC ST और जो है यहाँ पे दिव्यांगजनों के लिए। यहाँ पे अगर हम बात करें 13 मई 2022 अंतिम तिथि है, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं 13 मई तक। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट हमारी जो यूनिवर्सिटी है स्वामी रामानंद
रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, यहाँ पे काफी सारे सब्जेक्ट में जो है वैकेंसी है। अंतिम तिथि की बात करें तो यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी लास्ट डेट हार्ड कॉपी की 5 मई है, लेकिन इसको जो है यहाँ पर ये डेट बढ़ा दी गई है, 5 मई तक आप जो है ऑनलाइन आवेदन जो है यहाँ पर कर सकते हैं। पहले 27 अप्रैल थी, लेकिन अब इसको 5 मई तक कर दिया गया है, तो वो भी हम यहाँ एक्सटेंशन लेटर देख लेंगे। उससे पहले जो है हम यहाँ पर जो है काफी सारे सब्जेक्ट है जिनमें काफी सारे जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी सेम रहने वाली है। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी एग्जेम्पशन प्रदान किया गया है जिनका नेट जीआरएफ या सेट महाराष्ट्र सेट आपने गेट जीआरएफ जीपैट, तो उनको भी जो है एंट्रेंस एग्जाम से छूट यहाँ पर प्रदान किया गया है। सो बाकी जिनके पास मास्टर डिग्री है उनको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से एडमिशन जो है मिलेगा। यहाँ पे जो है काफी 1500 से भी ज्यादा जो है वैकेंसी है। इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, उर्दू है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, लॉ, कॉमर्स, मैनेजमेंट साइंस, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेटिक्स, जूलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीन, टेक्सटाइल, सोशल वर्क, लाइब्रेरियन, इन्फॉर्मेशन साइंस, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन। तो काफी ज्यादा संख्या में जो है यहाँ पर सीट्स अवेलेबल है। तो आप जो है 5 मई तक आवेदन यहाँ पर कर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मई जो है ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है, 5 मई तक आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे पैट 2022 के लिए। हमारी जो लास्ट जो यूनिवर्सिटी है वो है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल की। यहाँ पे आप जो है लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग 2 मई 2022 तक आवेदन जो है आप यहाँ पर कर पाएंगे, 3 मई तक फीस जमा करा पाएंगे। सो यहाँ पे पीएचडी एडमिशन 2022 के लिए ये जो है यूजीसी और यूजीसी सीएसआईआर नेट, नेट एलएस और डीबीटी बैट ओनली फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। तो जिनके पास यहाँ पर नेट या जो है डीबीटी बैट जिनके पास है वो जो है यहाँ पर एडमिशन पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जुलाई सेशन के लिए। सो यहाँ पे अगर हम बात करें क्राइटेरिया सेम रहने वाला है, 55% और 5% वाला। सीट हम यहाँ पर देख लेते हैं, बंगाली, हिंदी, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी। तो ये जो है जियोलॉजी है, लाइफ साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, स्टेटिक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस, तो ये सारे जो है सब्जेक्ट जो है आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप ये 7 यूनिवर्सिटीज के बारे में जो है आपको काफी अच्छी नॉलेज मिली होगी पीएचडी एडमिशन के लिए। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए, थैंक यू।